बेसबब बारिश की बूंदें चलती रहे, जमीन भी कायनात से तेरी इंतहा गुफ्तगू करती रहे, जाने किसके पैमाने में ये सरगम घूमती रहे, सरगोशी की आयतें कितनी मिट्टी दिखती रहे, आसमान का खामोश शोर ये जमीन सुनती रहे, पत्तों की शरारत से करीब करीब मचलती रहे। आज की जो भी कहानी है वो एक लेडी की है, औरत की है, जो कि एक कलाकार है, और उसे किस तरह से अपने कागज पर रंग भरने में उसे किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है और किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है, उसके बारे में ये कहानी है। भीतर कुछ सूरत रहा था जीवन की सफेद पलटते हुए सोचा कि सब कुछ बिखर जाता तो बेहतर होता, सब रंग मायूस लग रहे थे। उसे याद आया जब वो एक लड़की की सिंदूर से सजी मुस्कुराती तस्वीर बना रही थी, तो उसके पति ने हाथ से ब्रश छीन लिया और लाल रंग की डिबिया उस तस्वीर पर बिखर गई। कुछ आंसू आंखों से फिसलते हुए गिरे और पेंटिंग के रंग फैल गए, मानो वो लड़की उस चित्र से बाहर निकल उसको ब्रश थमाकर गले लगाना चाहती। सब कुछ फैल गया था, बिखर गया था, कुछ नया उभर गया था, जिंदगी सांस ले रही थी और आंखे से मानो रंग पानी की तरह फैल गए थे। सब था पर आकार नहीं था। आंखों में मोटे मोटे आंसू मानो निकलने को तैयार बैठे थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे और बहुत कुछ सुनना चाहते थे। वक्त के दायरे इतने बड़े हो गए थे कि कुछ भी सिमट कर सिमट नहीं रहा था, ऐसे जैसे कुछ आकार ही ना हो। बोलने की कोशिश करने लगी, बोले जमाना बीत चुका था, अल्फाज भूल चुके थे, जिंदगी मानो खाली आंखों से घूर रही हो, अभिव्यक्ति के लिए तड़प रही हो। रंगों से वो सब कुछ बयां करती थी, वो रंग भी कभी भी विरोध का शिकार हो धरातल पर बिखर आंसू बहाते, मानो कागज पर सीमाओं में बंधकर कलाकार के जहन को रूपरेखा देना चाहते। वो रंग उसके पति के सामने टिक ही नहीं पाते थे। अक्सर खाली कागज इंतजार में रहता, वो इतना सहम जाती कि अगर देख नहीं पाती, कभी कभी हाथ इतना कांपता कि आग धुएं में तब्दील हो जाती, लकीरें खींचना मुश्किल हो गया था। कलाकार का आजाद होना उतना ही जरूरी था जितना रंगों का जीवंत और स्वच्छंद। वो बहुत जोर से चीखती, रो देते, उसकी धूप कांप जाती, आंसू लुढ़ककर अधूरे छाया चित्र पर गिर जाते, सीधी लकीरें उसके बूंदों में तब्दील हो टेढ़ी हो जाती, आंसू और लकीरें मिल जाते हैं तो ऐसा ही तो होता है ना। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी और धरातल पर बूंदें उसे उसकी आंखों से कहीं ज्यादा नजर आई और वो मुस्कुराई, जमाने बाद मुस्कुराई थी शायद। बारिश को बंदे पर उतारना चाहती थी, घोंसले की चिड़िया जो अपने बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी, वो उसके चित्र में उतरने को आतुर थी। वो भी तो चाहती थी कि उसे कागज पर उतारा जाए। उसने आंगन में ठहरे पानी को अपने सूखे रंगों में डालने की कोशिश की, घर पर कोई नहीं था, पूरी कायनात उसके रंगों में डालना चाहती थी और रंग जमाने से सूख गए थे। वो जो खिड़की से बाहर हवा में उड़कर जाना चाहते थे, भीगी कायनात सदगुल में मुस्कुराना चाहते थे, उसने कलम उठाई और कुछ लकीरें खींची। तब तक खींचती रही जब तक अभिव्यक्ति को दिशा नहीं मिल जाती। एकदम तेज तूफान आया, सारे रंग कागज पर बिखर गए। मैं भी बिखर तो नहीं जाती कायनात में, ऐसा सवाल उसने अपने आप से किया। कागज मेरी जिंदगी को क्या समेटेगा, मैं हूँ तो ये कायनात है, कायनात के रंगों को ये छोटी छोटी तिड़िया क्या समेटेगी। कोई भी आएगा और इस कायनात को बिखेर देगा, कोई भी आएगा इन पत्तों को फाड़ देगा, कोई भी आएगा इन डिब्बियों को उड़ेल देगा और मेरे
सारे चित्र अधूरे रह जाएंगे, बिखर जाएंगे। उस सारे चित्रों को नजर भर देखती और उठाकर घर के पास वाली नदी का रुख करती। कुछ अभी नहीं लेती, बचना नहीं था उसे बारिश से, भीगना चाहती थी, सूखी धरातल भूजने लगी थी, नई खोपड़ी निकल निकल रही थी और वो उन लफ्जों पर टिक नहीं सकती थी। आजादी के रंग बाजार में वहां मिलते थे। कब तक बचाती हूँ उन चित्रों को, कभी तो जिंदगी की परिभाषाओं से परे अपनी जिंदा दिली की मूर्ति नजर आती और कैनवस डराता होगा था। उस डर को पीछे छोड़ वो बहुत तेज भागी, इतनी तेज कि कोई उसका पीछा ना कर सके। पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। हाथ में रंगों की बिबिया थी जो आजादी चाहती थी और बहुत से रंग रंगे हुए कागज और जिनके रंग बारिश की बूंदों में आजाद हो रहे थे। बूंदे टपक कर धरती को क्षणिक भावों से सरामोल कर रही थी। धरती भी उन रंगों से बने अद्भुत आकारों को सहेज रही थी पुनः मिटाने के लिए। वो नदी के तट पर पहुंचने पर पूरी तरह से भीग चुकी थी। सारे चित्रों को पानी में बहा देती है और फिर रंगों के ढक्कनों को खोल आसमान से टपकती पानी की बूंदों को रंगों से मिलते हुए देखती। कागज नदी में तैरने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उनके रंग छूटने लगते हैं। वही तो चाहते थे ना, पानी की लहरें, बारिश की बूंदें और उन आजाद चित्रों की प्रदर्शनी का अद्भुत मिलन। सभी रंगों को नदी में उड़ेल दिया, अनंत चित्रों को बनते हुए देखती है और प्रकृति से लिए रंगों को प्रकृति को भी वापस लौटा देती है। अब वो खाली थी, जिसके पास था कोई उसे छीन नहीं सकता था। पहले उसके रंग और कागज उसका पति छीन लेता था, आज उसके पास वो स्वच्छंदता और वो आजादी थी जो अब कोई उससे छीन नहीं सकता था। जोर से हंसती है, पति जब घर लौटता है तो उसे देख जोर से हंसती है और कहती है, तुमने मेरे रंगों को आजाद कर दिया, रंग प्रकृति में लौट चुके हैं और मैं भी वही लौट जाऊंगी जहां से आई थी। उस तब हुआ उसे देखता रहा, वो खाली हाथ सब हाशियों को मिलाकर चली जाती है, एक स्कूल में छोटे बच्चों को रंग भरना सिखाती है। रोज कुदरत में रंग कुदरत से रंग ले दिल की डिबिया में भरती है, फिर बच्चों की दुनिया में उड़ेर देती है। दार्जिलिंग के बागानों से आए बच्चे रंगों को खूब पहचान। Thank you.